गुरुग्राम में रेस्टोरेंट में फायरिंग की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। देखिए, ये रेस्टोरेंट के काउंटर पर लगे सीसीटीवी की तस्वीर है। इस वीडियो में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। काउंटर पर मैनेजर किशन है जो कस्टमर से डील कर रहा है, तभी अचानक एक बदमाश रेस्टोरेंट में घुसता है और बेहद नजदीक से किशन पर फायरिंग कर देता है। गोली चलते ही अफरा तफरी मच जाती है। मैनेजर अपनी कुर्सी से गिर जाता है। इतने में रेस्टोरेंट में दूसरा बदमाश आता है। मैनेजर किशन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। भीड़ के बीच बदमाश फिर 3 राउंड फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीर देखिए। 2 लड़के रेस्टोरेंट के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हैं, तभी एक तीसरा लड़का आता है, जिसके इशारे पर एक लड़का रेस्टोरेंट में घुसता है। इन 3 लड़कों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में इनके हाथ में हथियार साफ दिख रहा है। ये पूरी वारदात मंगलवार रात 9:15 बजे की है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर श्री राम ढाबा रेस्टोरेंट को बदमाशों ने निशाना बनाया। जिस मैनेजर को गोली मारी गई वो अब खतरे से बाहर है। मैनेजर ने बताया कि कुछ दिन पहले ही कुछ लड़के ने रेस्टोरेंट में शराब पीने को लेकर कर्मचारियों से मारपीट की थी। उन्हें शक है इन्हीं लड़कों ने हमला किया है। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। इन तस्वीरों में बदमाशों के चेहरे भी दिख रहे हैं। हमलावरों ने रेस्टोरेंट में 4 राउंड फायरिंग की।